बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के झुंझुनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए वाहन मुद्रा रथ को जिला परिषद के सीईओ और पीआरओ हिमांशु सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्षेत्रीय प्रबंधक योगेश शर्मा ने बताया कि यह मुद्रा रथ जिले के गांव-गांव, कस्बों और शहर में वित्तीय साक्षरता का अलख जगाकर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगा। इसके लिए मुद्रा रथ में एटीएम भी लगाया गया है। रथ के जरिए गांव में चौपाल के दौरान आमजन को रथ में लगी स्क्रीन पर सरकार की ऋण तथा सामाजिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। अतिथियों ने बीआरकेजीबी की इस लहर की प्रशंसा की। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक जयराम जाट समेत अन्य मौजूद थे। गौरतलब है कि वर्तमान में जिले के बैंक की कुल 94 शाखाएं सेवारत है। झुंझुनू में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध कल्याण दिवस पर पेंशनर्स समाज सेवा भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और पेंशनर समाज के संयुक्त तत्वाधान में जिले के वृद्धजनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव दीक्षा सूद थी, जिन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से संचालित विभिन्न सेवाओं की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अशफाक खान ने कहा कि वृद्धों की समस्याओं का समुचित ध्यान रखा जाएगा। विभागीय योजनाओं का पूरा लाभ वृद्धजनों तक पहुंचाने में पेंशनर समाज भी सहयोग करें। कार्यक्रम में जिले के 15 वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया गया। इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे के उपलक्ष्य में सामाजिक कल्याण विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में बुजुर्ग लोगों के उसको सम्मानित भी किया गया है और उन्हें विभिन्न विधिक सेवाओं के बारे में भी बताया गया है।